जैसा उन्होंने चाहा था, ये प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ आवास ग्रह होंगे। और आइए सीधे चलते हैं मंदसौर, जहां धनतेरस और दीपावली की धूम साफ दिखाई दे रही है। यहां के प्राचीन धन कुबेर मंदिर में भक्तों की भीड़ है, श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। धनतेरस के दिन यहां पर विशेष आयोजन होता है। धनतेरस को देवता कुबेर की यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदसौर के खिलचीपुर क्षेत्र में ये प्राचीन मंदिर है, जहाँ इस धनतेरस और दीपावली के मौके पर भक्तों की बड़ी भीड़ लगी हुई है और सभी सुख समृद्धि की कामना के लिए धन के देवता कुबेर के दर्शनों के लिए वहां पर जमा हुए हैं। नरेंद्र पवार हमारे संवाददाता मंदसौर के हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या है इस प्राचीन धन कुबेर मंदिर की महिमा और लोगों का इस पर कितना विश्वास है, क्या कुछ आस्थाएं और मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हैं, ये हमें बताइए। पूरे ही देश में धनतेरस का एक बड़ा माना जाता है। हर कोई व्यक्ति धन प्रभाव और शांति के लिए भगवान की वजह से मानता है। आज की मंदसौर जिले के खिलचीपुर इलाके में हम खड़े हुए हैं, जहाँ मेरे पीछे से देख रहे हैं, ये यहाँ के कुबेर देव मंदिर का मंदिर है। ये काफी प्राचीनकालीन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत बताई जाती है कि ये मंदिर जो है उड़ के आया था, मतलब इसको कोई स्थापित नहीं किया था, ना ही कोई मंदिर की भीड़ है। और आप जिस तरीके से मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भक्त बैठे हुए हैं अपनी पूजा करवा रहे हैं और धन विभव और शांति के लिए यहाँ पर मान्यता मांग रहे हैं। आप मेरे भाई और अंदर की साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर भगवान शंकर और भगवान पार्वती और कुबेर तीनों एक साथ विराजमान है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको अंदर का दृश्य दिखाए, जहाँ पर जिस तरीके से भगवान की प्रतिमा और जिस तरीके से भक्त यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आज धनतेरस की जो महिमा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानी जा रही है। और भगवान से आज हर किसी व्यक्ति अपने सुख समृद्धि और धन कुबेर भंडार भरे रहे, ऐसी भगवान की मान्यता यहाँ पर भगवान से मान रहे हैं। और आप जिस तरीके से अंदर देख सकते हैं कि आप कुबेर देव के साथ में यहाँ पर भगवान पार्वती और शंकर जी का जो स्थापित है, जो स्थापना है, भगवान यहाँ पर विराजमान है। और बताया जाता है कि ऐसा ही मंदिर पहले कहीं केदारनाथ में है और दूसरा जो है मंदसौर जिले के खिलचीपुर इलाके में ये मंदिर है। तो इस मंदिर की काफी प्राचीनता है और उस मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं, करीब करीब आज से नहीं 25 से 30 साल 35 साल भी ऐसे भक्त हैं जहाँ पे आते हैं, मेरे साथ कुछ भक्त है। आइए बात करते हैं कि क्या इस मंदिर की खासियत है और क्या आज धनतेरस पे क्या विशेषता रहती है। सर, आज धनतेरस पे आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या भगवान से मांगते हैं, क्या विशेषता दी दीजिए इस मंदिर के लिए। हमें विशेष है धनतेर महालक्ष्मी प्रसन्न रहे, इसके लिए हम आशीर्वाद जनता और हमारे सब सुख परिवार समृद्धि रहे, इसे हम इसी भावना से काम करना चाहिए। और पूजा अर्चना देवी माता की, महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, विश्व में प्रथम मंदिर कुबेर मंदिर है इस एरिया में, और मालवा क्षेत्र में पूरा में कुबेर मंदिर प्रथम है। तो यहाँ के भक्तों की मान्यता काफी है, काफी हद तक यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो भगवान से मांगते हैं, ताकि पूरे ही वर्ष पूरे ही जीवन उनके जीवन में खुशहाली रहे, धन धान्य भरे रहे। इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा, तो कोरोना काल का भी यहाँ पर पूरी तरीके से ख्याल रखा है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है। मेरे साथ में यहाँ पर पंडित जी मौजूद है, राकेश जी भट्ट, बात करते हैं राकेश जी भट्ट से कि क्या इस मंदिर की विशेषता है और क्या इस मंदिर को मान्यता दी गई है। पंडित जी, क्या इस मंदिर की विशेषता देखती हूँ, क्या कुछ कहेंगे। मंदसौर की जनता के लिए परम सौभाग्य की बात है, भगवान कुबेर महाराज का मंदिर जो कि स्वयं शिवजी के साथ विराजमान है और शिवजी के परम सखा भी मित्र भी कहे जाते हैं कुबेर महाराज, तो ये मंदसौर जिले में स्थापित है। पहला मंदिर केदारनाथ महादेव के वहां पर विराजमान है और दूसरा मंदिर मंदसौर में, जहाँ शिवजी के साथ स्वयं कुबेर महाराज विराजमान है। तो यह मंदसौर जनता के लिए परम सौभाग्य की बात है और अत्यंत प्राचीन और पुरातन मंदिर ये है। कहा यह जाता है कि यतियों द्वारा ये उड़ाया गया वो मंदिर है, इस मंदिर की कोई नींव नहीं है। पहले के जमाने में जब यति लोग अपनी शांति क्रियाओं को कर
मंदिर को उड़ाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, तो ये वही मंदिर है यहाँ पर उड़ाया गया, यहाँ पर स्थापित किया गया। तो कुबेर महाराज जी का आज धन त्रयोदशी के होने के कारण, धन के पर्व होने के कारण, और कुबेर महाराज जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं, धन के देवता हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शनार्थी जनता ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल से ही भगवान कुबेर महाराज के दर्शन करने के लिए लगातार आ रही। तो ये थे अविनाश मेरे साथ में पंडित जी राकेश जी, पर जिनका बताना है, जिनका कहना है कि ये मंदिर काफी पुरातत्व समाज से चला हुआ मंदिर, और काफी लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। चलिए नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपने बताया कि किस तरह से ये मंदिर जो है इसके साथ आस्था जुड़ी हुई है, मान्यताएं जुड़ी हुई है, और पर्व भी धनतेरस का और दीपावली का है, लिहाजा यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। सांवेर में भारतीय जनता पार्टी के तुलसी सिलावट ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। जीत